नमस्कार, लोकवाणी की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं हूँ शिल्पा पाठक। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सोनारी थाना के पूर्व थाना प्रभारी मनोज गुप्ता ने अपनी पत्नी के साथ दो रिश्तेदार को मारी गोली, एक महिला की हुई मौत। कारगिल दिवस के अवसर पर सोनारी के आर्मी कैंप में कारगिल में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। और कोवाली थाना क्षेत्र के तिरिंग हल्दी पोखर मुख्य मार्ग पर प्रतिबंधित मांस के साथ दो कार को पुलिस ने किया जब्त, एक तस्कर को किया गया गिरफ्तार। और अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर के सुनारी थाना के पूर्व थाना प्रभारी मनोज गुप्ता ने अपनी पत्नी और एक रिश्तेदार और उसकी मां को गोली मारकर घायल कर दिया। जी हां, रिश्तेदार की मां ने दम तोड़ दिया। इधर इंस्पेक्टर मनोज गुप्ता की पत्नी और उसके रिश्तेदार का इलाज टीएमएच में चल रहा है, जहाँ दोनों की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। बताया जाता है कि पारिवारिक विवाद में मनोज गुप्ता ने अपनी पत्नी और रिश्तेदार को गोली मारी। इधर मनोज गुप्ता और उनकी पत्नी के बीच पिछले 10 साल से विवाद चल रहा था। दोनों अलग अलग रह रहे थे। बताया जा रहा है कि सुनारी के अपार्टमेंट में पटना से मनोज गुप्ता का रिश्तेदार और उनकी मां के साथ पहुंचा था। दोनों के बीच समझौता कराने वाला था, लेकिन समझौता के दौरान अचानक बात बिगड़ता देख मनोज गुप्ता ने सर्विस रिवॉल्वर से अपनी पत्नी और रिश्तेदार और उसकी मां को गोली मार दी। उसके बाद फरार हो गया। फिर थोड़ी ही देर बाद मनोज गुप्ता अपने बुलेट मोटरसाइकिल से डीएवी बिस्टुबो स्कूल में प्रवेश कर अपने बेटा को गोली मारना चाहता था। तभी मौके पर पुलिस पहुंची कि पुलिस को देख मनोज गुप्ता फरार हो गया। इधर पुलिस ने मनोज गुप्ता के पुत्र को अपने पास सुरक्षा के मद्देनजर रख लिया है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मनोज गुप्ता चाईबासा में इंस्पेक्टर पद पर पदस्थापित थे, लेकिन कुछ दिन पहले सस्पेंड कर दिया गया था। फिलहाल पुलिस हत्यारा मनोज गुप्ता की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी रखी है। वैसे यह घटना पारिवारिक विवाद में घटा था, वहीं कुछ लोग इसे प्रेम प्रसंग मान रहे हैं। वहीं मनोज गुप्ता का किसी पुलिस वाले की पत्नी से अवैध संबंध था, जिसको लेकर उसकी पत्नी विरोध जता रही थी और विरोध के कारण ही दोनों अलग अलग रहने लगे थे। फिलहाल पुलिस प्रेम प्रसंग के मामले में भी जांच पड़ताल में जुट गई है। सुनारी थाना अंतर्गत एक घटना हुई है, उसमें एक सब इंस्पेक्टर है मनोज गुप्ता, जो कि गुदरी थाना में पदस्थापित है चाईबासा में, पिछले कुछ दिनों से वो निलंबित हैं। उसके बाद उनकी पत्नी से उनका बहुत पुराना, लगभग 20 साल से पारिवारिक और शादी को लेकर के विवाद चल रहा है। दोनों अलग रहते थे और लगातार विवाद होता था। उस संबंध में उनकी पत्नी ने एक केस भी दर्ज करा रखा है सोनारी थाना में। उनके द्वारा आज सुबह लगभग 9:30 बजे घर में 3 लोगों को गोली मारी गई है। उसमें उनकी पत्नी को और एक उनके जो परिचित कज़िन, जिनको बताया जा रहा है जो पटना से आए हैं, चंदन कुमार और चंदन कुमार की माँ, तो इसमें जो चंदन कुमार की जो माँ है उनकी डेथ हो गई है गोली लगने से। बाकी जो मनोज गुप्ता है उनकी पत्नी और जो चंदन कुमार है वो घायल हैं। उनका यहाँ इलाज चल रहा है टीएमएच में। उन लोगों ने जो टीएमएच के जनरल मैनेजर हैं और सभी लोगों से कॉन्टैक्ट में पर्सनली मैंने किया है, देखा है, और जो बेस्ट प्रोबेबल जो इलाज है वो दिया जा रहा है। ये व्यक्ति अपनी सर्विस रिवॉल्वर से इस घटना को अंजाम दिया है और उस घटना के बाद से फरार है। उन लोगों ने टीम लगाई है, ये जल्दी ही पकड़े जाएंगे। घटना का मूल कारण एक्चुअली इनका लंबा 15-20 साल से पारिवारिक विवाद है और लगातार घटना झगड़ा की इन लोगों के बीच में होती रहती थी। और इस घटना की चश्मदीद गवाह इनकी बेटी है। इनकी बेटी भी जो बालिग हैं और जो दिल्ली में पढ़ती हैं, वो भी आई हुई थी। बेसिकली ये लोग आपस में इकट्ठा हुए थे पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए। मनोज गुप्ता जो सब इंस्पेक्टर है जिसने घटना की है, जो अभियुक्त है, उसने इनकी अपनी पत्नी को, जो कि पटना में रह रही थी कुछ दिनों से, उनको बुलाया था और फैमिली के कुछ लोगों को बुलाया था। पिछले 2 दिनों से इन लोगों की आपस में बात हो रही थी घटना को सुलझाने के लिए विवाद को, बट उसी में फिर कुछ झगड़ा झंझट हुआ, बात आगे बढ़ी और इसने अपने रिवॉल्वर से 3 लोगों पर गोली चलाई। वो अपने घर में गोली चलाए हैं जिसमें एक आदमी मर गया है और 2 लोग घायल हुए हैं जो कि हॉस्पिटल गए हुए हैं। जो मरी है वो कोई महिला है, उनका कोई रिलेटिव है, कोई उनकी पत्नी और एक और पुरुष है जो कि पता नहीं, हम लोगों को जानकारी नहीं, उनका कोई रिलेटिव है। और इधर हम आपको बता दें, कारगिल दिवस के अवसर पर सुनारी के आर्मी कैंप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वैसे इस कार्यक्रम के दौरान शहीदों को याद करते श्रद्धांजलि दिया गया।
इस मौके पर शहीद जवान के परिजनों को आर्मी के कर्नल और जवानों के द्वारा सम्मानित किया गया। इधर उस दिन को याद करते हुए सभी जवान, भले ही हमारे जवानों ने सीमा पर हंसते हंसते अपना जान न्यौछावर कर दिया था, लेकिन दुश्मनों का छक्का छुड़ाकर विजय हासिल की थी। आज के दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया गया है। वैसे इस मौके पर कर्नल गौरव सिंह अपने जवानों का हौसला अफजाई करते हुए युवाओं से अपील की कि देश की रक्षा के लिए आप आगे आए और सेना की बहाली से बढ़ चढ़ कर भाग ले और देश की रक्षा करे। देखिए, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो कारगिल में द्रास जो जगह जहाँ पे लड़ाई लड़ी गई थी कारगिल की, वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है जिसमें कि हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख पहुँचे हुए हैं वहाँ पे। और क्योंकि आज हम वहाँ पे 20वीं सालगिरह मना रहे हैं कारगिल में विजय, और ये बहुत ही विशेष अवसर है क्योंकि जो 527 वीरों ने अपनी शहादत दी है वहाँ पर, और उनको हम याद कर रहे हैं। और उस जो एक बहुत अच्छी जीत जो हमने हासिल की थी, बहुत ज़बरदस्त जीत हासिल की थी, उसका आज हम उसकी जीत का त्यौहार मना रहे हैं, तो उसके लिए आज हम यहाँ एकत्रित हैं। देखिए, मैसेज यही है कि जो देश की हमारी जो सीमाएं हैं, एक विश्व के सबसे कठिनतम सीमाओं में से एक है, यहाँ समुद्र से लेके ऊंचे पहाड़, हिमालय की ऊंची चोटियाँ, रेगिस्तान की गर्मी सब है, और उसमें किस प्रकार सुरक्षा, जितने भी सुरक्षा बलें हैं वो सब अपना अपने घर परिवार और अपनी सुरक्षा को ताक पर रख कर अपने अपना दिन रात और जीवन न्यौछावर कर रहे हैं वहाँ। तो एक तो मैं इन सभी युवाओं से अनुरोध करूँगा कि वो भी आके सुरक्षा बलों में भी को ज्वाइन करें एक, और बाकी अपने देश के लिए जो जहाँ है काम करते रहे, और ताकि हमारा देश इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे। कोवाली थाना क्षेत्र के उड़ीसा तिरिंग हल्दी पोखर मुख्य मार्ग पर प्रतिबंधित मास्क के साथ दो कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है, साथ ही साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कोवाली थाना क्षेत्र के उड़ीसा तिरिंग हल्दी पोखर मुख्य मार्ग पर प्रतिबंधित मास्क के साथ दो कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है, साथ ही साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी तांबर सिंह खेरवाल ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर चेकिंग के अभियान चलाया जा रहा था, उसी के दौरान पकड़ाया गया, और वही गिरफ्तार व्यक्ति का नाम जावेद है जो जुगसलाई के रहने वाले है। लोग चेकिंग लगाए हुए थे कोवाली थाना और कोटा थाना अपने क्षेत्र में, उन लोगों को वरीय पदाधिकारियों द्वारा निर्देशित प्राप्त है कि उड़ीसा के रास्ते से अवैध रूप से गोवंशीय पशुओं का मांस का व्यापार किया जाता है, अवैध व्यापार। उसके लिए हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं और चेकिंग कर रहे हैं। उसी क्रम में आज चेकिंग के दौरान एक गाड़ी आकर रुकी, उससे पूछताछ करने से पहले गाड़ी छोड़ के भागा। उसमें चेक किया गया तो उसमें वो वंशीय पशु का मांस जैसा दिखा। उसके बाद फिर कुछ देर बाद एक गाड़ी आया, उसको रोका गया, उसका ड्राइवर सहित गाड़ी को पकड़ा गया, जिसमें चेक किया गया तो उसमें भी मांस का टुकड़ा पाया गया, मांस है उसमें। करीब दोनों गाड़ी को मिला के 3 से 4 क्विंटल मांस है उसमें, और गिरफ्तार एक व्यक्ति किया गया जिसका नाम जावेद है, जो सिलाई थाना क्षेत्र का रहने वाला है। टोटल कितनी गाड़ी पकड़ाई है सर? टोटल 2 गाड़ी पकड़ाई है, टाटा इंडिको एक टोयोटा की गाड़ी। लगातार सर इस तरह के अभियान चल रही है, आप लोग अच्छी पहल है, क्या कर? इस पर लगातार हम लोग गंभीर हैं कि सरकार, झारखंड सरकार द्वारा गोवंश से हत्या प्रतिषेध और उसका अवैध व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है, उसमें हम लोग लगातार छापामारी कर और आगे भी हम लोग छापामारी करते रहेंगे, जहां सूचना मिलेगी उस पर हम लोग इसमें। सर, क्या लगता है कि पिछले कई सालों से इस तरह का कारोबार चल रहा था क्या, जिस रास्ते से? ये तो कहना मुश्किल है कि कितने सालों से चल रहा है, लेकिन इधर से रास्ते से जाने की सूचना हम लोग को मिली। सूचना का सत्यापन करने के लिए हम लोग औचक जांच चेकिंग लगाते रहते हैं, उसी जांच करने में वाहन की जांच किया गया जिसमें पाया गया। अब कब से चल रहा है इस बारे में स्पष्ट करना संभव नहीं। जमशेदपुर में झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले बैंक के तमाम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को काला बिला लगाकर पेन डाउन हड़ताल पर रहे। 5 सूत्री मांगों को लेकर ये हड़ताल बुलाई गई थी।
इस दौरान सभी ने कार्य का बहिष्कार किया और काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध प्रकट किया। राज्यभर के 24 जिलों में यह हड़ताल बुलाई गई थी। मुख्य रूप से बैंक के नियमित कर्मचारी को ग्रेड पे संशोधन दिए जाने, साथ ही नियमित कर्मचारी को प्रनोन्नत में लाभ दिए जाने, बैंक में कार्यरत सभी अनुबंध कर्मचारियों की सेवा समाप्त किए जाने जैसी मांगे शामिल है। इन्होंने एक दिवसीय हड़ताल पर रहकर अपना विरोध प्रकट करते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर पहल नहीं की जाती तो आगे उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। ना हम लोग की बहुत लंबित मांगे हैं, जो कि कई वर्षों से लंबित मांगे थी कि हमारे जो कर्मी है, नियमित कर्मी, जिसका पे ग्रेड में संशोधन किया जाए। दूसरा मांगे ठीक पड़े हुए हैं, जिस पर जो पुराने जो कर्मी है उनको बहाली पदोन्नति देते हुए अधिक पदोन्नति बहाली करने की, उसके बाद हम लोगों ने देखा IBPS के द्वारा जो है नियमित कर्मी को जो है डायरेक्ट बहाली की जाए और अनुबंध कर्मी को नहीं की जाए। लेकिन हमारी मांगों को प्रबंधक द्वारा न मानने के कारण हम लोग बाध्य होकर के आज एक दिन का कलमबद्ध हड़ताल पर उतारू हो गए हैं। हाँ, ये करीब चूँकि मैसा कायता बैंक वैसे भी कर्मचारी काफ़ी कमी है, लेकिन पूरे कर्मचारी में करीब 120 कर्मचारी जो है अभी हड़ताल पर, कलमबद्ध हड़ताल पर है। आगे की नजर हम अपने आंदोलन, अगर हमारी मांगों को अगर नहीं मांगी गई या हमारे मांगों को विचार नहीं किया गया तो हम आगे के दिन में अपने उस बैनर तले जो है झारखंड राज्य कोऑपरेटिव बैंक कर्मचारी संघ बैनर तले जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बात। भारत के स्टार और कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम, विश्व चैंपियनशिप से लेकर वर्ल्ड जैसी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी थाक जमा चुकी तीरंदाज महिला खिलाड़ी दीपिका कुमारी ने टाटा स्टील को कहा अलविदा। वहीं दीपिका अब भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में अब नौकरी करेगी। वहीं टाटा स्टील से नौकरी छोड़ने का दीपिका ने निजी कारण बताया। पत्रकारों से बात करते हुए दीपिका ने बताया कि मुझे टाटा स्टील ने बहुत प्यारा सम्मान दिया, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती और हमारे यह खुद का फैसला है। मैं टाटा स्टील में जॉब करती थी, अभी टाटा स्टील छोड़ के मैं BPCL ज्वाइन कर रही हूँ। क्या वजह कारण? कारण ये मेरा खुद का डिसीजन है और मेरा पर्सनल डिसीजन है, सो मैं चेंज करना चाहती हूँ, इसलिए मैं टाटा स्टील छोड़ के BPCL ज्वाइन की। शादी का इस तरह का कुछ मामला या विचार? शादी है, शादी 2019 के एंड और मे बी 2020 के जनवरी में। तो टाटा स्टील तो अच्छी पैकेज देती थी, सैलरी भी अच्छी देती थी, आपकी छोड़ने की वजह? ऐसा नहीं है, टाटा अच्छी सैलरी देती थी, हर किसी को चेंज अच्छा लगता है, सो मैं भी चेंज करना चाहती हूँ। और जैसे कि मेरे होने वाले फ्रेंड्स भी BPCL में ही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके अच्छा होगा हम दोनों साथ में, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में, टीम में खेलने जा रहे हैं इंडिया में, सो इन फ्यूचर आज छोड़ने के बाद हम साथ में जॉब भी करेंगे, खेलने जा रहे हैं इंडिया में, सो इन फ्यूचर आज छोड़ने के बाद हम साथ में जॉब भी करेंगे। टाटा स्टील ने आपको काफ़ी प्यार दिया, मैडम क्या कहना चाहेंगे देश की जनता को? और टाटा स्टील को थैंक यू बोलना चाहूँगी बहुत दिल से, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी और बचपन से लेके अभी तक बड़ा किया और बहुत काइंड रहे हैं यहाँ के। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना अंतर्गत स्टील स्ट्रेट वेल्स कंपनी के खिलाफ स्थानीय लोगों ने कंपनी गेट का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया, साथ एक दिवसीय धरना भी दिया गया। आपको बता दें कि कंपनी CSR के तहत गोविंदपुर में मूलभूत सुविधा नहीं दे रही है, जिसके कारण गोविंदपुर की जनता नर्क में जीने को विवश है, गंदगी का अंबार लगा है, कंपनी से निकलने वाले पॉल्यूशन लोगों को बीमार कर रहा है, पीने के पानी भी नहीं है और सड़क की हालत बद से भी बदतर हो गई है। इधर कंपनी को अपना अधिकार याद दिलाने को लेकर स्थानीय लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और कंपनी की लेकर मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें इन लोगों ने मांग की कि अगर मूलभूत सुविधा नहीं दिया गया आएगा तो जोरदार आंदोलन करेंगे और कंपनी से निकलने वाली गाड़ियों को रोका जाएगा। हम लोग पहले भी कंपनी को ज्ञापन दे चुके हैं कि CSR के तहत जो आपकी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, उसके तहत जो आपके क्षेत्र का विकास करना है उसके लिए आप काम कीजिए। आप बगल में जाइए, देखिए नाला में कचरे पड़े हुए हैं, यहाँ की रोड की स्थितियाँ आप देख लीजिए, सड़क पर वाहन खड़ी रहती है कंपनियाँ का, जिसके कारण कई दुर्घटनाएं घटती है, अंदर मजदूर के साथ दुर्घटना घटती है, कंपनी उसका कोई सूद नहीं लेती है। तो इसी सब मुद्दों के साथ आज हम लोग कंपनी को पहले ही अवगत करा चुके थे कि हम लोगों की अगर मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग धरना पर बैठेंगे,
और इसी सब मांगों के कारण आज हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं और पुनः ज्ञापन कंपनी को देंगे और उनकी जिम्मेदारी जो है उससे अवगत कराते हुए हम लोग कंपनी से मांग करेंगे कि जो उनकी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत जो सरकार के माध्यम से और उनके उनको जो काम करना है क्षेत्र में, हम लोगों का मांग है कि क्षेत्र के जनता के लिए एक एम्बुलेंस दिया जाए, क्षेत्र में जो कचरे हैं, जो नालियाँ हैं, उनके साफ सफाई की जाए। जमशेदपुर में फुटबॉल क्लब को काफी दिनों से नई कोच की तलाश थी। जी हां, अपनी टीम को धारदार बनाने के लिए जमशेदपुर फुटबॉल क्लब देश से लेकर विदेशों तक नजर टिकाए हुए थी और अब ये जीएफसी ने अपना कोच चुन लिया है। वैसे स्पेन में हरफन मौला फुटबॉल खिलाड़ी एंटोनियो इरियोटो को जमशेदपुर फुटबॉल क्लब का कोच बनाया गया है। आपको याद दिला दे कि अब तक एंटोनियो ने मैच मैसेस किया था, 27 वर्ष की उम्र में फुटबॉल कोच के रूप में कदम रखा था और अब जमशेदपुर फुटबॉल क्लब का नेतृत्व करेंगे। इधर टाटा स्टील के वीपी चाणक्य चौधरी ने नए कोच का गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि खिलाड़ियों को और धारदार बनाने के लिए यह कोच काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे। इन्होंने कहा कि टीम में कई नई खिलाड़ी शामिल होने की उम्मीद है। टीम का प्रदर्शन कैसे बेहतर से बेहतर हो सके उस पर ध्यान दिया जा रहा है। हर सीज़न के शुरुआत में हम लोग पूरा टीम को रेडी करते हैं, कोच का देखते हैं, तो हमारे नए कोच हेड कोच एंटोनियो का भी जैसे कहते हैं बहाली हुआ है। सो जस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, तो हम लोग को लगा कि जब से इवेंट शुरू होगा उससे पहले आप लोग सबसे मिलवा दिया जाए कि भाई नए कोच कौन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है। तो मुकुल ने बताया और हमारे जो टेक्निकल पार्टनर हैं इसमें ATM एथलेटिको डी मैड्रिड स्पेन के हैं, उनके हेल्प से हमें ये कोच का मिला है कि ये कोच को आप रखें। और हम लोगों ने मीटिंग भी किया था एथलेटिको मैड्रिड में, मैंने खुद मीटिंग किया था उनके जो प्रेसिडेंट हैं और हमने बताया था कि हमारे पिछले दो सीज़न में कैसा रहा टीम का परफॉर्मेंस, जबकि पिछली बार हम लोगों ने 29 गोल्स किए और जो टीम जीती है उसने भी 29 गोल्स किए थे, लेकिन हमारे विन लॉस में हमारे ड्रॉ ज़्यादा हुए लास्ट टाइम। एक अगर हमारा एक्स्ट्रा विक्ट्री होता तो शायद हम टॉप फोर में होते, तो वो गेम में रहेगा, आफ्टर ऑल गेम है, कोई जीतता कोई हारता है। शहर के निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ राजनीतिक पार्टियों के साथ अब सामाजिक संस्था भी सड़क पर आ गई है। जी हां, जहां शहर की एक सामाजिक संस्था ने जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इन्होंने इंग्लिश मीडियम के स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि शहर में इंग्लिश मीडियम स्कूल फीस में बेतहाशा फीस वृद्धि कर रहा है, जिसके कारण बच्चों के परिजनों की कमर टूटती जा रही है। इधर लोगों ने मांग की है कि शिक्षा विभाग जिन स्कूलों को सरकारी जमीन आवंटित किए उस पर सिर्फ शिक्षा का ही काम हो और दूसरा काम अगर कोई करता है तो उसे पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जमशेदपुर के निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी में जो मनमानी चल रही है उसको रोकने के लिए, उसको ऊपर अंकुश लगाने के लिए शिक्षा विभाग को हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। हमारी ये मांग है कि जमशेदपुर में जितने भी निजी शिक्षा स्कूल हैं उन सभी को जो जमीन आवंटन किया गया था वो शिक्षा के प्रसार के लिए किया गया था, बच्चों की पढ़ाई के लिए किया गया था, ताकि वो शिक्षा दे पाए, आम आदमी का बच्चा जो है वो पढ़ पाए। लेकिन अब यहाँ शिक्षा इतनी महंगी हो जा रही है कि आम आदमी के पहुँच के बाहर चली जा रही है। तो हम लोग आए हैं शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक ज्ञापन देके कि अविलंब इस पर कार्रवाई किया जाए, अन्यथा यहाँ के लोग और जन भावना संस्था के जितने भी हमारे सदस्य हैं वो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। जमशेदपुर के नीलकंठ महादेव संघ के द्वारा सावन माह के दूसरे सोमवार पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रस्तुति देने के लिए बिहार और कोलकाता से कलाकार शहर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि संघ के द्वारा लगातार पिछले 3 वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस बार भी भव्य आयोजन की तैयारी पूरी की जा चुकी है। इस भजन संध्या में अपनी प्रस्तुति देने हेतु बिहार तथा कोलकाता से कलाकार शहर पहुंचेंगे। वे भजन संध्या के दौरान भगवान भोलेनाथ के भस्म आरती और आकर्षक झांकियां भी प्रस्तुत किए जाएंगे, जो मुख्य आकर्षक का केंद्र बना होगा। हर साल सावन के दूसरी सोमवारी को हम लोगों का ये प्रोग्राम निश्चित है कि दूसरे सोमवारी को होगा और इसमें इस वर्ष हमारे 3 गायकार कलाकार जो है वो बबुआ विकास, राहुल सिंह, विनय बिहारी सिंह
ये हमारे बिहार से हैं और सोनी अरोड़ा जो गायिका हैं जो भजन प्रस्तुत करेंगी वो कलकत्ता से हैं और विशेष आकर्षण जो हमारा है वो झांकी बाप्पी एंड ग्रुप के द्वारा जो है वो झांकी है भोलेनाथ के भस्म आरती द्वारा और कुछ रचित्र जो भी है वो झांकी में प्रस्तुत होगा और बाकी जो है भोलेनाथ की इच्छा से जब तक चले। पोटका मुख्यालय सभागार में पोटका बीडीओ कपिल कुमार के द्वारा कमल क्लब के जिलाध्यक्ष मंगल पान समेत सभी कमल क्लब के अध्यक्षों के एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बैठक में सभी कमल क्लब के पंचायत अध्यक्षों को 1-1 लाख रुपए का वाउचर देने की बात कही गई। वहीं वाउचर देने के बाद 28 जुलाई को मुख्यमंत्री अमर दास अपने हाथों से सभी पंचायत अध्यक्षों को 1 लाख का चेक देंगे। खेलकूद कला को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा सभी कमल क्लब अध्यक्षों को खेल सामग्री फुटबॉल वॉलीबॉल क्रिकेट बैट आदि सामग्री खरीदारी करनी होगी। आज की इस बैठक में यही निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री जमशेदपुर आ रहे हैं कमल क्लब के विषय में और बीडीओ साहब निर्देश दिए कि हर पंचायत से वाउचर देने के लिए कि 1-1 लाख का वाउचर दीजिए और 28 तारीख को मुख्यमंत्री अपने हाथों से 1 लाख का चेक देंगे। क्या क्या खरीद रहा है इसमें सामग्री खेलकूद कला संस्कृति यही चीज़ सामग्री खेल के लिए सामग्री खरीदने के लिए बोला गया जैसे फुटबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल चेयर टेबल ये भी है ये खरीदने का निर्देश बी डी ओ साहब आज दिए। पोटका मुख्यालय सभागार के मुख्य गेट में लगे कांच के दरवाजा पिछले कई महीने से टूटा हुआ है और सभागार में लगे सीलिंग भी टूट रही है लेकिन अब तक किसी ने मरम्मत नहीं करवाया। बताया जाता है कि सभागार में हमेशा तरह तरह की मीटिंग पदाधिकारियों के द्वारा जनप्रतिनिधियों के होते रहते हैं। वह मीटिंग में पहुंचे लोग कहते हैं कि मीटिंग के दौरान टूटा दरवाजा किसी के ऊपर यदि गिर गया तो लोग घायल हो जाएंगे इसलिए जल्द से जल्द मरम्मत कराने की जरूरत है। क्या बोलना चाहोगे? ये जो प्रखंड सभागार है इसमें हर तरह का मीटिंग होता है इसमें एक दरवाजा टूटा हुआ है और बाकी जो सीलिंग जो है वो सीलिंग भी टूटा हुआ है। कल में ये दरवाजा से कोई अगर घुसता है इसमें किसी के ऊपर दरवाजा गिर जाता है ये बहुत बड़ा हादसा हो भी सकता है। अच्छा सरकार का तरफ से ये सबको मरम्मती करने के लिए या बनाने के लिए बहुत तरह का फंड आता है इसमें किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार का लापरवाही है बनना चाहिए ये तो बनना चाहिए। और अब चलने से पहले नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। सोनारी थाना के पूर्व थाना प्रभारी मनोज गुप्ता ने अपनी पत्नी के साथ 2 रिश्तेदार को मारी गोली एक महिला की हुई मौत। कारगिल दिवस के अवसर पर सोनारी के आर्मी कैंप में कारगिल में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। आज कोवाली थाना क्षेत्र के तिरिंग हल्दी पोखर मुख्य मार्ग पर प्रतिबंधित मास्क के साथ 2 कार को पुलिस ने किया जब्त एक तस्कर को किया गया गिरफ्तार। तो आज के लिए बस इतना ही आप बने रहिए हमारे साथ नमस्कार।